नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जब भी बच्चों को हरी सब्जी खाने का मन ना करे तो तुरंत बनाइए बच्चों की फेवरेट पनीर की भुर्जी। तो ये मैंने हाफ के जी पनीर लिया है, ये मार्केट से लिया हुआ पनीर है। और इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 5 मीडियम साइज के प्याज, 4 हरी मिर्च, 2 टमाटर, 10 से 12 लहसुन की कलियां और एक अदरक का टुकड़ा। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और तेल के गर्म हो जाने पर जीरा डालेंगे एक छोटी चम्मच और ये लहसुन डालेंगे। लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया, तो दोनों को डाल देंगे इसमें, हरी मिर्च और लहसुन। अदरक को भी मैंने डाल दिया है लेकिन वो मेरी क्लिप मिस हो गई है। और इसके बाद डालेंगे इसमें प्याज और प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। और प्याज को हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। तो बस ये देखिए प्याज भून गया है। और अब डालेंगे इसमें टमाटर जो कि मैंने चॉप कर लिया था चॉपर से। अब प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालिएगा। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाला। बस अब इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज और टमाटर के साथ इन मसालों को। और हमें इस समय कवर करके नहीं पकाना है और हमें मीडियम टू लो फ्लेम में ही मसालों को पकाना है। तो ये देखिए इसका मॉइस्चर पूरा निकल चुका है मसालों का। अब डालेंगे हम पनीर। पनीर को मैंने हाथ से फोड़ लिए थे। पनीर को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो ये पकाते वक्त एकदम से बिल्कुल मैश हो जाएगा। तो बस ये डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। पनीर की भुर्जी बनाने का कोई वक्त नहीं है, आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में किसी भी समय आप इसे बना सकते हैं। और ये सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चों को और बड़ों को। और बस इस तरह से इसको कवर करके हम इसे 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएंगे। ये देखिए पनीर की भुर्जी का कलर कितना प्यारा आया है। पनीर की भुर्जी को बनाने में ज़्यादा मसालों का प्रयोग नहीं होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। भुर्जी हो गई है तैयार, अब बारी है सर्विंग बाउल में इसे सर्व करने की। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। पनीर की भुर्जी को मैंने सर्विंग बाउल में सर्व कर दिया है। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। पनीर की भुर्जी बनाने में ज़्यादा मसालों का प्रयोग नहीं होता है और सिंपल ही ये भुर्जी अच्छी लगती है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।